जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुणा करना सिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये तीन एग्जाम्पल करना सिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं इन तीन एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को बेसिक गुणा का पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा। अगर दोस्तों आप लोग इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये लास्ट वाला सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। सबसे पहले हम लोग अपने बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल हमारे पास क्या है, देखिएगा। हमारे पास ऊपर कौन कौन सी संख्याएं हैं? ऊपर चार है, तीन है, और गुणा हमें किस संख्या से करना है? दो से। तो गुणा हम लोग करते कैसे? ये जो चिन्ह है ना, ये गुणे का चिन्ह होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी हमारे पास ये संख्याएं दी हैं, इनकी हमें आपस में क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा हम लोग करेंगे कैसे, मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। देखिएगा, हम जब भी गुणा करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग इधर से करना स्टार्ट करते हैं और इधर को करते हुए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहली संख्या इधर से ऊपर वाली। तो ऊपर वाली इधर से पहली संख्या कौन सी है? तीन है। अब ये तीन है ना, तो जितनी संख्या यहाँ पर होगी, इस संख्या का हम उतनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे तीन है ना, तो हम दो का पहाड़ा तीन बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 3 6 आ गया ना, 6। कितनी बार हमने पढ़ा पढ़ा दो का? तो दो का पढ़ा हमने तीन बार पढ़ा और हमारे पास 6 आ गया। अब दोस्तों, जितना आता है उतना हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 आया तो 6 को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करेंगे, अब आप लोग देखिएगा, अब दूसरी संख्या हमारे पास कौन सी है? चार है। तो हम क्या करेंगे, दो का पढ़ा हम लोग चार बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, और 2 चक्कू 8। कितनी बार पढ़ा हमने पढ़ा? तो दो का पढ़ा चार बार पढ़ा, क्योंकि चार था, तो कितना आ गया? 8 आ गया। तो 8 दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या हुआ ये इसका राइट आंसर? 86 जो आएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने ये पहले सवाल को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या है हमारे पास? हमारे पास ऊपर दिया है 6 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, और हमें गुणा किस संख्या से करना है? 4 से करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहली संख्या ऊपर से देखेंगे कौन सी है? 6 है। तो हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं 4 का पहाड़ा 6 बार। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चक्कू 16, 4 5 20, और 4 छंग कितना हो जाएगा? 4 छंग 24 हो जाएगा। अब दोस्तों, ये 24 हो गया ना, 4 का पढ़ा 6 बार पढ़ा, अब ये 24 हो गया। लेकिन हम 24 की 24 पूरी संख्या यहाँ पर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते दोस्तों? हम दो अंक वाली संख्या यहाँ पर नहीं लिख सकते। हम दो अंक वाली पूरी की पूरी संख्या हम वहां पर लिखेंगे जिसके आगे कोई भी संख्या होगी ही नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखिएगा, ये 24 है ना, तो 24 के 4 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और जो 2 है ना वो हमारा हासिल बच जाएगा। तो हमें हासिल के रूप में 2 हमें याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 बार, क्योंकि अगली संख्या हमारे पास 2 है। चलो पढ़ लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया ना। अब 8 में ये 2 हम लोग हासिल जोड़ेंगे, तो 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10। 10 हो जाएंगे ना, 10 का 0 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और 1 बचेगा हासिल, वो हम लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब 4 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चक्कू 16, 4 5 20 आ गया 20। अब 20 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक हासिल भी तो 10 में से बचा था, तो 20 और एक हासिल बचा था, तो 20 और एक 21। अब 21 जो आएगा ना, अब 21 के 21 हम लोग पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि दोस्तों, अब इसके आगे कोई संख्या ही नहीं है, तो हम गुणा नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पर हम पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे दो अंक वाली, वरना उससे पहले हम दो अंक वाली पूरी संख्या यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अगर लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो 21 04 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। देखिएगा, हमें ऊपर क्या है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, हमें गुणा किस संख्या से करना है? 5 से। तो पहली संख्या कौन सी है? 4 है। तो 4 बार मतलब 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। पढ़ लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चक्कू 20 आ गया ना 20। कितनी बार हमने पढ़ा पढ़ा? 5 का पढ़ा 4 बार पढ़ा, 20 आ गया। दो अंक वाली संख्या है, तो क्या करेंगे, सिर्फ एक अंक को लिखेंगे, 0 को, इधर वाली संख्या को लिखते हैं, ये हमारा हासिल बच जाता है। तो 0 को लिखेंगे, 2 हमारा हासिल बच जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 का पढ़ा पढ़ेंगे 6 बार, क्योंकि अगली संख्या हमारे पास 6 है। तो चलो पढ़ लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चक्कू 20, 5 5 25, और 5 छक्का 30। 30 आ गया ना, अब 30 आ गया ये,
अब 30 आ गया तो 30 की 30 पूरी संख्या लिखेंगे नहीं, तो 30 में हम ये दो हासिल भी तो जोड़ेंगे ना, तो 30 और 2 32 हो जाएगा। 32 किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, 32 को दोस्तों हम लोग ऐसे लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो 32 के कितने लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब 5 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे, क्योंकि अगली संख्या हमारे पास 8 है। चलो पढ़ लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तय 15, 5 एक 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35 और 5 अठे 40, ठीक है दोस्तों, 40 आ गया। 40 तो हम लिखेंगे नहीं, तो 40 में ये 3 हासिल जोड़ेंगे, तो 40 और 3 43। अब 43 के 43 दोस्तों, अब हम लोग पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर लिख देंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये तीनों के तीनों सवालों को सॉल्व कर लिया है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।